मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, महंगाई होने से इनकार नहीं करता, मगर माजी की तरह मौजूदा हुकूमत में करप्शन पर सौदेबाजी नहीं होगी। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमीशन का मामला मुशावरत से हल हो जाएगा। हुकूमती रहनुमा अली मोहम्मद खान पुरुमीद, अख्तर मैंगल काबिल एहतराम है, उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पंजाब में नए यूनिवर्सिटियाँ बनाने का ऐलान किया, बोले नौजवान नए पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दें। मैं अगर आपको कहूं कि महंगाई नहीं है, झूठ होगा। महंगाई के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से बिजनेस को वो सपोर्ट माजी में नहीं मिली। हमारी कोशिश ये होगी कि जिस तरह बड़े बड़े इकोनॉमिक फैसले इमरान खान साहब कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर की तरफ जा रहे हैं, मूडीज की जो रेटिंग है उसमें हम बेहतर हो रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कोई 24 से 28 पॉइंट ऊपर गए हैं, और पीर के दिन इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन वाले इशू पे गुफ्तगू होगी, और मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह उन इश्यूज पे मसला हल हो जाएगा, और इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी इंतखाब जो है वो उस कंसल्टेशन प्रोसेस के तहत होगा जो आईन में दर्ज है कि अपोजिशन के साथ आपने करना है। जहां तक मैंगल साहब का ताल्लुक है, बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, और उनके इश्यूज जो है उनको देख भी लिया गया है, और उन्होंने एक से ज्यादा दफा इस बात का अदा किया है कि वो इमरान खान साहब के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो अगर किसी पे करप्शन के चार्जेस हैं तो जिस तरह माजी में होता था ना कि जमहूरियत के वसीतर मफाद में किसी के करप्शन पर पर्दा डालें, वो अल्लाह के सामने और फिर आपके सामने हम जवाब दें। करप्शन पे कोई सौदेबाजी नहीं है, बाकी लेजिस्लेशन पे इंशाल्लाह हम बैठेंगे, जो कौम के मफाद की लेजिस्लेशन होगी उसको कोशिश करेंगे अपोजिशन को भी साथ लेके चलेंगे।